Hello, my dear kids. How are you? I am Payal, your teacher. Today, we will start our new book by Brain Root series. The name of our book is Bright Beginnings, A Picture Dictionary. तो चलिए हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरियस फैमिलीज के बारे में. फैमिली क्या होती है? A group of people related to each other, कि जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग रहते हैं और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, related होते हैं, उसे हम कहते हैं family. Family में बहुत सारे different members होते हैं. जैसे आपके घर में मम्मी, पापा, आप, आपका भाई, बहन, दादा, दादी, तो ये सब क्या हैं? Family members हैं. तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर. ग्रैंडफादर कौन होते हैं? दादा. और ग्रैंडमदर, दादी. आफ्टर देन ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर, मतलब दादा दादी के पोता और पोती. जैसे आपके दादा दादी हैं तो आप उनके क्या हुए? इफ़ यू आर अ बॉय देन यू आर ग्रैंडसन, इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू आर ग्रैंडडॉटर. आफ्टर देन अंकल आंट. अंकल और आंट कौन होते हैं? चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, ये सब लोग कौन होते हैं? अंकल और आंट. आफ्टर देन बेबी, एक छोटा बच्चा, उसे हम कहते हैं बेबी. नेक्स्ट डॉटर सन. डॉटर मतलब बेटी और सन का मतलब बेटा. हस्बैंड वाइफ. हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी. नाउ वी विल लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली होती है जिसमें मम्मी, पापा और उनके एक या दो बच्चे ही रहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली. नाउ बिग फैमिली. बिग फैमिली क्या होती है? बिग फैमिली वो होती है जिसमें मम्मी, पापा और तीन से चार बच्चे एक साथ रहते हैं, उसे हम बिग फैमिली कहते हैं. और अब हम पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली क्या होती है? जब एक ही घर में आपके मम्मी, पापा, आप और आप उनके साथ कौन रहता है? दादा दादी, अंकल आंट, मतलब चाचा चाची. तो एक घर में बहुत सारे लोग रहने लगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली, जिसमें एक से ज़्यादा लोग रहते हैं.